नमस्कार, स्वागत है आपका वेब दुनिया समाचार में। बात करते हैं अब तक की बड़ी खबरों की। मोदी बोले, आतंकवाद के मददगारों को बख्शा नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद को मानवता का दुश्मन करार देते हुए मंगलवार को कहा कि आतंकवाद को आज जड़ से खत्म करने की जरूरत है और जो आतंकवाद को पनाह देते हैं उन्हें भी बख्शा नहीं जा सकता। मोदी ने ऐतिहासिक ऐशबाग रामलीला मैदान पर कहा कि जो आतंकवाद करते हैं उनको जड़ से खत्म करने की जरूरत पैदा हुई है। जो आतंकवाद को पनाह देते हैं, जो आतंकवाद की मदद करते हैं, अब तो उनको भी बख्शा नहीं जा सकता। उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ दुनिया के सभी देशों से एकजुट होने की अपील करते हुए कहा कि कोई माने कि हम आतंकवाद से बचे हुए हैं तो गलत फहमी नहीं पाले। आतंकवाद की कोई सीमा और मर्यादा नहीं होती। लक्षित हमले से उद्धव ठाकरे भी खुश, बोले ऐसे ही मोदी चाहिए। शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने मंगलवार को नियंत्रण रेखा पार करके हाल ही में किए गए लक्षित हमले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि मोदी मर्द की तरह पाकिस्तान से लड़े। उन्होंने भारतीय सेना और प्रधानमंत्री को लक्षित हमले के लिए बधाई दी। उन्होंने मध्य मुंबई के शिवाजी पार्क में शिवसेना के दशहरा रैली के मौके पर कहा कि हमले के बाद मैंने मोदी को फोन किया और उनसे कहा कि नरेंद्र भाई, ये वो नरेंद्र भाई है जिसे हम प्रधानमंत्री के रूप में चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मोदी को अब ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए जिससे केवल पीओके नहीं बल्कि पूरा पाकिस्तान भारत का हिस्सा जाना जाए। ठाकरे ने कहा कि हमारी सेना में इतनी क्षमता है। ओबामा ने कहा, मंगल पर मानव भेजेगा अमेरिका। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा कि अमेरिका ने अपने अंतरिक्ष अन्वेषण की नई राहें खोलने के प्रयास के तहत वर्ष 2030 के दशक तक मंगल ग्रह पर मानवों को भेजने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किया है। ओबामा ने सीएनएन से कहा कि हमने अंतरिक्ष में अमेरिका की कहानी के अगले अध्याय के लिए महत्वपूर्ण स्पष्ट लक्ष्य तय किया है। वर्ष 2030 के दशक तक मंगल ग्रह पर मानव को भेजा जाएगा और उनकी पृथ्वी पर सुरक्षित वापसी करना इसका अंतिम लक्ष्य बढ़े हुए समय में वहां एक दिन के लिए ठहरना है। उन्होंने अपने महत्वाकांक्षी लक्ष्य की योजना बताते हुए कहा कि मंगल पर जाने के लिए सरकार और अन्वेषकों के बीच निरंतर सहयोग की जरूरत होगी और हम अपनी राह के लिए पूरी तरह तैयार है।